हेलो डियर स्टूडेंट, अगला हमारा कार्य पत्रक 38 है, कक्षा 3 पहल हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो दक्षता है पूर्व अनुभव के आधार पर शब्दों और वाक्यों को लिख पाना। पहला प्रश्न दिया है, बॉक्स में कुछ वस्तुओं के नाम लिखें, उनको हम किन किन त्योहारों पर उपयोग करते हैं, बॉक्स में लिखिए। हमारे इसी चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कार्य पुस्तिका का हल है, तो आप लिंक में जाकर या चैनल पर जाकर जरूर देखें। पहला प्रश्न देखिए, भी बॉक्स में कुछ वस्तुओं के नाम हैं, हम किन किन त्योहारों पर उपयोग करते हैं, बॉक्स में लिखना है आपको। यहाँ पर बॉक्स है, पटाखे, रंग, सेवैयां, गुब्बारे, लाइट, तिरंगा, फूल, नए कपड़े, राष्ट्रीय गान, पिचकारी, रंगोली, गुलाल। नीचे क्या है, भी एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर दीपावली का त्यौहार लिखा हुआ है, यहाँ पर होली का त्यौहार लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है, यहाँ पर ईद लिखा हुआ है। जो सामग्री जिस त्यौहार को काम आती है उसे आपको लिखना है। से पटाखे, पटाखे हम क्या करते हैं, अभी दीपावली पर बजाते हैं, और कहाँ बजाते हैं, अभी होली पर भी बजाते हैं, तो आप यहाँ पर भी पटाखे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे रंग का प्रयोग कब कहाँ होता है, अभी रंग का प्रयोग होली पर होता है, कहाँ होता है, अभी होली पर, तो आप यहाँ रंग का प्रयोग करेंगे। सेवैयां हैं, सेवैयां कहाँ बनते हैं, अभी सेवैयां देखो, भी यहाँ पर ईद का त्यौहार होता है वहां पर बनते हैं। सेवैयां क्या होते हैं, अभी पतली पतली सही होती है, उसी प्रकार सेवैयां होती हैं, ये ईद के त्यौहार पर बनाई जाती हैं। अगला है गुब्बारे, गुब्बारों का प्रयोग क्या करते हैं, अभी हम अपने स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं, सजाने के लिए, स्टेज को सजाने के लिए, तो आप गुब्बारे यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में है लाइट की व्यवस्था, हम लाइट किसका, लाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अभी दीपावली पर करते हैं, क्योंकि ये हमारे अमावस्या के दिन आती है। और तिरंगा का प्रयोग कब करते हैं, अभी तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा प्रयोग हम क्या कहाँ करते हैं, अभी स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अभी तिरंगा लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है फूल का प्रयोग, किसका प्रयोग, भी फूलों का प्रयोग, फूल का प्रयोग भी हम क्या, अभी अपने स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा में डालते हैं। और अगर नए कपड़े, नए कपड़े हम दीपावली को भी पहनते हैं, होली को भी पहनते हैं, और ईद को भी पहनते हैं, तो नए कपड़े आप सभी में लिख सकते हो, नए कपड़े, यहाँ पर भी नए कपड़े आ जाएंगे। और जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर क्या करते हैं, अभी हम अपने विद्यालय की यूनिफॉर्म पहन के जरूर आते हैं, कंपल्सरी होती है, तो नए कपड़े हम नहीं पहन सकते, पहनने कोई दिक्कत नहीं है, पर तो विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है। राष्ट्रीय गान कब गाते हैं, राष्ट्रीय गान ओनली हम स्वतंत्रता दिवस पर ही गाते हैं, यहाँ राष्ट्रीय गान लिखेंगे। अगला दिया पिचकारी का प्रयोग, पिचकारी का प्रयोग कहाँ करते हैं, भी जहाँ पर रंग डाला जाता है, तो यहाँ पर पिचकारी आ जाएगी। और रंगोली का प्रयोग कब होते हैं, भी रंगोली हम बनाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, रंगोली बनाते हैं बच्चे, बनाते हैं विद्यालय में, और सुंदर सुंदर घरों को सजाते हैं, रंगोली हम दीपावली पर भी बनाते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप। अगला गुलाल का प्रयोग कहाँ करते हैं, गुलाल का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, होली पर, कहाँ करते हैं, भी होली पर। दीपक का कब जलाते हैं, भी दीपक जलाते हैं हम दीपावली पर। तो नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए, भी 39 नंबर, इसमें देखो भी कार्यपत्रक 39 में है, आसपास की वस्तुओं घटनाओं को देखकर अर्थ समझ पाना। पहला प्रश्न है, चित्रों को का नाम लिखिए, प्राप्त वस्तुओं से मिलान कीजिए। चित्र में ये क्या है, भी भैंस है, आपको इसका नाम लिखना है इस प्रकार। ये क्या है, भी एक पेड़ है, यहाँ पर इनसे प्राप्त वस्तुएं दी गई, अनाज, पानी, इनका अपने को यहाँ पर क्या, अभी भेड़ है, यहाँ पर क्या, अभी नदी है, और यहाँ पर नीचे क्या है, अभी गेहूं की फसल दी गई अपने को, फसल है या खेत है, खेत भी लिख सकते हो।
अब इनसे हमें क्या देखो, जैसे भैंस से हमें क्या प्राप्त होता है अभी, अनाज पानी और तीन नंबर है दूध। क्या प्राप्त होता है अभी, दूध। तो आप भैंस का मिलान कर किससे करोगे भी, दूध वाले कॉलम से करोगे। अब पेड़ है, पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है अभी, पानी दूध फल, फल मिलते हैं अपने को, तो यहाँ का मिलान यहाँ से करोगे। भेड़ है, भेड़ से क्या प्राप्त होता है अभी, हमें मोस्टली ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, भेड़ जिसलिए पालते हैं अभी ऊन के लिए, ऊन से मिलान करोगे। नदी से क्या प्राप्त होता है अभी, नदी से अपने को पानी मिलता है, यहाँ नदी का मिलान करोगे। और यहाँ लास्ट में फसल, फसल से हमें क्या मिलता है अभी, फसल से हमें मिलता है अनाज। तो आप फसल का मिलान किसे करोगे भी, अनाज कॉलम या बॉक्स से करोगे। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।